परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है, और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरण कर रहे हों, चाहे वो सुख में कर रहे हों। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान, और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है,
अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं, अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन, हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था, तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं, ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद, और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योतिस्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है सत्यलोक, अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है, फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उसके अभाव से जो हम यहां भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है।